अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ स्वीट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं चोंगे, जो कि अक्सर मुहर्रम पे बनाया जाता है, बट आज हम अलग तरीक़ों से बनाएंगे। आप इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्वीट्स की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने 2 कप ले लिया है मैदा। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से 6 टीस्पून के करीब घी ऐड कर लेते हैं और हम मैदे को पहले अच्छी तरह से मोइन करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो रेडी करेंगे। बिल्कुल भी हमें सॉफ्ट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है। तो यहाँ पर जो है आटे का डो रेडी हो चुका है। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। उस बीच हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे, उसी में हम 1 कप चीनी डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन हम इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। इसी में हम 3 हरी इलायची कूटकर डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है। 4 से 5 ड्रॉप आप इसमें नींबू का डाल दें। इसी में हम 1 पिंच जितना फूड कलर ऐड करेंगे। पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें कलर भी ज़्यादा नहीं डालना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चाशनी भी हमें तार वाली नहीं बनानी है, हल्की सी जब चिपचिपी होने लगे तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। इसी में हम 1 टीस्पून डालेंगे रोज वाटर। यहाँ पर हम लिड लगा देंगे ताकि चाशनी जो है गर्म रहे। अब वापस से हम चलते हैं आटे की तरफ। आटा जो है पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम हाफ आटा लेंगे और हाफ जो है हम साइड में रख देते हैं। वैसे तो ये चोंगे जो है साइज में काफ़ी बड़े बनते हैं, बट यहाँ पर हम आज छोटा छोटा साइज का बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये छोटा छोटा 5 पेड़ा बना लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा आप कोरा आटा डालें और आप इस तरह से रोटी बेलते जाएँ। तो हमने यहाँ पर 5 रोटी बनाकर रेडी कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस ये है कि हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, बट घी लगाएंगे तो काफ़ी बेटर होगा, अच्छा लगता है। इसके ऊपर हम सूखा आटा डालते हैं, मैदा डाल देंगे। इसी प्रोसेस को हमें बार बार दोहराना है। घी लगाकर आप कोरा आटा डालें, इसके बाद आप बनी हुई रोटियाँ इसके ऊपर लगाएँ। 5ों रोटियों की इस तरह से हम लेयर लगाएँगे। अगर आप चाहें तो रोटियों को बड़ी बना के आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने रोटी थोड़ी छोटी ही बनाई थी क्योंकि साथ में लेकर हम वापस से बेलेंगे और यहाँ पर वापस से हम बड़ी रोटी बनाएंगे। यहाँ पर हमने सारी रोटियों को मिलाकर एक बड़ी सी रोटी बना ली है। अब हम इसे पतला पतला इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे। उसके बाद जो है हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर भी आप पतला चौड़ा अपने हिसाब से काट सकते हैं। वैसे ये चोंगे जो है छोटे छोटे बनाओ तो ही काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि मीठा होता है तो हर कोई पूरा खा नहीं पाता है। छोटा रहता है तो फिर खाने में और देने में भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और जो लास्ट पार्ट है उसे नीचे इस तरह से चिपका देंगे। अब सभी रोटियों को हम इसी तरह से बनाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी लेयर बन रही है इसमें। अब हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बेल लेंगे। यहाँ पर हमने बीच में से भी 1 कट कर लिया है, तो इस तरह से छोटा भी आप बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो। गैस पर जो है हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। हल्के हाथों से इस तरह से हम चोंगे को बेलते जाएंगे, उसके बाद हम इसे ऑयल में डालते जाएंगे। और अगर आपको ये तरीका हार्ड लग रहा है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। 5 रोटी का पहले लेयर बनाएं, उसके बाद आप रोटी बड़ी बना लें और उसे आप फोल्ड कर लें। जब हम इस तरह से चोंगे बनाते हैं तो एक तो साइज़ में छोटा होता है और दूसरी बात यह है कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो क्रिस्पी होता है और बनाना भी बहुत ही सिंपल है। लास्ट वाले पार्ट की कोरियों को हम अच्छी तरह से इसमें चिपका देते हैं। अब हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। यहाँ पर हम आपको 2 तरीका इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपको पहला तरीका हार्ड लगता है तो आप इस तरह से बड़े ही आसानी से ये चोंगे बना सकते हैं और इसे फ्राई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
इसे भी हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेलेंगे। ज़्यादा हमें इसे चिपकाना नहीं है, वरना फिर लेयर जो है निकलेगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेयरें अभी से निकल रही हैं बिना फ्राई किए हुए भी। यहाँ पर हमने चोंगे को फ्राई होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुका है। एक मिनट और हम इसे फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इसे निकालेंगे और गरम गरम इसे चाशनी में डालेंगे ताकि चाशनी जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। फर्स्ट बैच का जितना हमने चोंगा बनाया था सभी हम इसमें चाशनी में डाल देते हैं और बाकी के चोंगे हम बनाते जाएंगे और उसे हम फ्राई करते जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बट फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसलिए आप इस तरह से अगर बनाएंगे चाकू से काट कर तो काफ़ी जल्दी फ्राई भी हो जाता है और लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहता है, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा बैच जो हमने फ्राई किया था वो इसमें ऐड करेंगे। तो लीजिए गाइस, यहाँ पर छोटे बड़े दोनों साइज के चोंगे बनकर रेडी हैं। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस हिसाब से बनाएं। चलिए अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खसखस और हमने यहाँ पर लिया है पोस्ता जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। वैसे तो मुहर्रम पर बनने वाले मलिदे की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आज हम अलग तरीका आपके साथ शेयर किए हैं। काफ़ी स्वीट और काफ़ी टेस्टी लगता है और बनाना कितना सिंपल है वो तो आपने देखा ही है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें और हमें भी दुआ में याद रखें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।